और दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां हम लेकर आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस भी आपको इसी तरह यहां पे मिलते रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेस पैक के बारे में जो आज का नहीं है, 100 सालों का नहीं है, 200 सालों का नहीं है, बल्कि कम से कम 2000 साल पुराना हमारा फार्मूला है। मुझे जो जानकारी है वो इतनी है, लेकिन शायद इससे भी पहले का फार्मूला है। आयुर्वेद के अंदर जो ये फार्मूला है ये सबसे ऊपर आता है। जब बात आती है चेहरे की सुंदरता की, हमारे पुराने कई स्टोरेज में, कई कहानियों में इसका जिक्र मिलता है। जो रानी महारानियाँ होती हैं वो इसका इस्तेमाल करती थी। बहुत जगह इसका जिक्र मिलता है हमारे जो पुराने इतिहास के अंदर भी। क्या ये फार्मूला है, किस प्रकार हमें इसे बनाना है, कैसे इसको आपके चेहरे को सुंदर बनाने में आपको लाभ देगा, किस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कब इसको लगाना है, कब नहीं लगाना है, इन सारी बातों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुल्तानी मिट्टी का नाम आप सबने सुना होगा। सबसे पहले हमें इसके लिए मुल्तानी मिट्टी चाहिए। मुल्तानी मिट्टी जो है इस प्रकार से दिखती है, ये मुल्तानी मिट्टी है। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, आपकी लोकल शॉप से लेकर शहर की जो दुकानें हैं उनके ऊपर, नुक्कड़ की दुकानें हैं, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। बड़ी आसानी से उपलब्ध होती है मुल्तानी मिट्टी। आप कहोगे तो ये आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा हमें चाहिए अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियाँ आपको, अमरूद का पेड़ कहीं पे मिल जाएगा इंडिया में, तो खासकर आपको आसपास कहीं पे दिख जाएगा। आपने उसकी जो कच्ची पत्तियाँ होती हैं वो तोड़ लेनी है। 4-5 पत्तियाँ इसके लिए काफ़ी हैं। तैयार करने की विधि क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ी सी मात्रा में जो मुल्तानी मिट्टी है उसको जो है थोड़ा सा कूट लेना है। ज़्यादा बारीक करने की आपने ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा आपने कूट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो अमरूद की पत्तियाँ ली थी आपने, 4-5 पत्तियों को इस प्रकार से कूट लेना है। कूटने के बाद क्या करना है, किसी कपड़े की सहायता से उसका जो है रस आपने निकाल लेना है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा इस मिश्रण का कैसे फ़ायदा होगा। जो अमरूद होता है वो एंटीबैक्टीरियल इसके अंदर जो है इफ़ेक्ट होते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे को एक तो झुर्रियों से बचाएगी, जो बढ़ती एज के साथ, बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियाँ हो जाती हैं उनसे आपको बचाएगी, और आपके चेहरे को ऑयल फ्री करेगी, और जो आपके चेहरे के ऊपर ग्लो लेके आएगा। अमरूद की पत्तियों को क्या काम होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होती हैं। जिन लोगों को खासकर मुहासों में प्रॉब्लम होती है, ये ऐड ऑन इसके अंदर जब होगा तो ये बहुत ही लाजवाब चीज़ बनेगी। मान लें कि आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम इसके अंदर जो है कवर हो जाएंगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आपको जो है रिंकल्स आती हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं उनसे आपको बचाएगी, मुलायम आपकी स्किन को करेगी, और जो ऑयल फ्री आपको करेगी। और यहाँ पे जो अमरूद का जो पत्तियों का जूस हमने निकाला है, ये आपको बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कील मुहासे जिसकी वजह से होते हैं, उनसे आपको बचाएगा। मान लें आपकी चेहरे की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें सोल्व हो जाएंगे। इसको बनाना किस प्रकार से, आपने इसको कूट लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर हमने जो है इसका अमरूद की पत्तियों का रस जो है निकाल लिया है। आपने क्या करना है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक समय आप यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप हर रोज़ नया बनाएं, पुराना अपना रखें। इसके अंदर मैं इतनी मात्रा में जो है इसका रस डाल देता हूँ कि ये जो है मैंने जो इसको कूट लिया था ये पूरा का पूरा इसके अंदर भीग जाए। इसको आपने एक बार इसको भिगोने के बाद इसी प्रकार से कम 1 घंटे तक रख लेना है। 1 घंटे तक रखने का इसमें क्या औचित्य है कि जो ये मिश्रण है ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। जो ये मिश्रण है वैसे तो ये 10 या 15 मिनट के अंदर ही बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। देखिए अभी से मुलायम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ी देर रख लीजिए। रखने के बाद ये बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको यूज किस प्रकार से करना है, कोशिश कीजिए जो आपका चेहरा है उसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है। धोने के बाद
उसके तो आप फेस वॉश के साथ धो लीजिए, उसके बाद इसको अप्लाई कर लीजिए। ये जो चीज़ है 20 से 25 मिनट के बाद आपकी सूख जाएगी। इसको आंखों के नीचे लगाइए, आंखों के अंदर मत जाने दीजिए, पूरे चेहरे के ऊपर लगाइए, नाक के ऊपर भी लगाइए, जो हमारा फोरहेड होता है, माथा होता है, उसके ऊपर भी आपने लगाना है, पूरे चेहरे के ऊपर मान लिया आपने लगाना है इसको। उसके बाद 20 से 25 मिनट तक इसको छोड़ देना है। हो सके तो पंखे के सामने भी आप जा सकते हैं सुखाने के लिए। जब ये आपका सूख जाएगा, सूखने के बाद आपने इसको सादे पानी से धो लेना है। ये जो चीज़ है आप इसको रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपके पास समय है, नहीं तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी इसको अगर यूज करेंगे, वीकेंड पे भी इसको अगर आप यूज करेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है आपकी झुर्रियों के लिए, कील मुहासों के लिए, और चेहरे की टोन जो है बहुत अच्छी होगी इससे। दोस्तों ये आप इस्तेमाल कीजिए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है हमसे शेयर कीजिए कमेंट के जरिए, हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे कमेंट्स का हम जवाब दे सकें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाता है, क्योंकि कमेंट इतने सारे होते हैं, तो माफ़ी चाहते हैं हम, अगला कमेंट आप कीजिए। हमारी कोशिश ये रहती है जो भी हमें कमेंट दिखते हैं उनके हम आंसर करते हैं, डेली बेसिस पे हम ऐसा करते हैं। एक और नई जानकारी के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।